Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. क्यों तो कुल्फी कुमार भाजेवाला में कैसे नहीं टर्न इंटू तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जहाँ सिकंदर की ज़िंदगी का पुराना दुश्मन आ चुका है और वो कर रहा है सिकंदर को परेशान। और वहीं भोला सबके सामने गाना गाता है और बच्चे उसकी बेइज्जती करते हैं, खिल्ली उड़ाकर उसे रुला देते हैं। तभी आ जाती है कुल्फी और कुल्फी सिकंदर का रुमाल उसी को दे देती है ताकि सिकंदर को याद आ जाए। लेकिन सिकंदर को कुछ भी याद नहीं आता है, तो वहीं दूसरी ओर चुप चुप कर लवली सिकंदर की इस हालत को देखकर खुद बेबस हो जाती है। जहां लवली सीधा पहुंचती है नंदिनी के पास और नंदिनी को बताती है सारी सच्चाई। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नंदिनी के सामने सिकंदर की पूरी सच्चाई आ चुकी है, जहां अब नंदिनी सिकंदर को खोने से डर रही है और बार बार कह रही है कि भोला मेरा है और मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरी हैप्पी फैमिली है। इस फैमिली को मैं किसी को भी तोड़ने नहीं दूंगी और एक यही चीज़ नंदिनी को इस कहानी का सबसे बड़ा विलन बना देगी। और अब अपकमिंग में देखना आपको पड़ेगा कि सिकंदर की याददाश्त तो आ जाएगी, लेकिन बच्चों की नादानियों की वजह से सिकंदर की याददाश्त वापस जा सकती है, क्योंकि गिटार के शोर से सिकंदर और कुल्फी दोनों ही परेशान हो जाएंगे। और जब लवली को पता चलेगा कि चंदन चोर उसकी जासूसी कर रहा है, तो वो उसे ही धमकी दे देगी। लेकिन यहाँ चंदन चोर बाजी मार जाएगा और कह देगा तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो कौन सा सरप्राइज़ रेडी कर रहा है चंदन लवली के लिए? क्या लवली को डराना चाहता है, धमकाना चाहता है? तो बाकी के अपडेट हम आपको देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.